रथ को पूरी तरह से सजाया गया है इन पत्तों से, काफी सुंदर है। और इसके व्हील्स तो देखिए। और ये रहे पंचीकट्टी के सुंदर दृश्य, जो यहाँ पे रहने वाले वीरेश के घर से लिए। उनके माँ से मैंने रिक्वेस्ट की और उनके टेरेस पे आके ये एक नज़ारा शूट किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्स क्रिएटर, और मैं हूं आपका दोस्त निखिल। कल 12:30 के बाद प्रवचन होने के बाद प्रसाद था, महाप्रसाद, लेकिन मैं बहुत ही थक चुका था। कल बहुत ही भागदौड़ हुई थी मेरी, इसलिए मैं सो गया जल्दी। और तकरीबन मेरी दादी ने मुझे 1 बजे उठाया था रात को, लेकिन कि मैं उठ नहीं पाया और महाप्रसाद मुझसे छूट गया है। लेकिन अभी दोपहर को महाप्रसाद है, तो दर्शन तो वैसे मैंने लिया है, आपको भी दिखा दिया है पंचीकट्टी यहाँ से ऊपर से कैसे दिखता है व्यू। मेरा भांजा है, उसके दोस्त भी मेरे साथ है, तो हम सब जाके अभी महाप्रसाद लेंगे। तो चलिए उनसे एक बार आपको मिलाता हूँ। नौड़ाती हो कम के दोस्त लोग जो है वो काफ़ी शर्मा रहे हैं, लेडीज से भी ज़्यादा ये शर्मा रहे हैं। मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं, वीरेश से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इस यात्रा के बारे में। फिलहाल वो कन्नड़ में बात करने वाले, वो बोलेंगे, बाद में आपको मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा। तो वीरेश हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ के रहने वाले पंचीकट्टी में। तो मुझे ये हम लोगों को जानकारी चाहिए थी कि ईदन यात्रा है, कन्नड़ में बात कर रहा हूँ मैं, तो ईदन यात्रा इतनी ये आवाग आगते थी ना, इतनी युवत यात्रा इतना। हाँ, 5 दिन युवती का, 5 दिन आते थे, युवत लास्ट रहे, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು 4 ದಿನ ಆತ್ರದ 4 ದಿನ ಆತು. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಊಟ ಪ್ರಸಾದ ದಿನ ಪ್ರವಚನ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಪ್ರಸಾದ ಇವತ್ತು ರಥೋತ್ಸವ ಐತಿ, ರಥೋತ್ಸವ ಐತಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತೆ ಅದ? ಇದನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು. 5 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಪೂರ ಊರಿಂದ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಏನಿದ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಟ ಹೋಗಿ ಹೊಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಮಂದಿಗಳು ಭಾಳ ಇರ್ತಾವ? ಹಾಂ, ಮಂದಿ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. वीरेश ने हमें सब जानकारी दी, उनको मैंने पूछा कि ये यात्रा कैसा, इसका शेड्यूल कैसा रहता है, तो उन्होंने कहा कि ये 5 दिन यहाँ पे स्वामी लोग आते हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे वो प्रवचन देते हैं, आपने स्टेज तो देखा है, देर रात तक। उसके बाद 12:30 के बाद रात में महाप्रसाद होता है। वैसे कल मैं उठ नहीं पाया, मेरे से वो मिस हो गया था, लेकिन आज दोपहर में जाके करूँगा। तो आज रथ उत्सव है, आज है 5वां दिन, तो आज रथ उत्सव है, इसलिए सब तैयारी चालू है। रथ यहाँ से वहाँ तक जाके वहाँ के पास रिटर्न आएगा, भीड़ भाड़ काफ़ी रहती, ये सब इनसे बातचीत हुई थी। तो चलिए फिलहाल अभी जाते हैं महाप्रसाद करने। तो यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए लाइन है, ताट लेके, ये दोनों भी ताट लेके खड़े हैं, हमारे पास भी ताट है। तो चलिए महाप्रसाद इसमें लेते और ग्रहण करते। वंदी से पढ़ रहे हैं, वंदी से अभी खाना हो चुका है हमारा, और पेट ज़्यादा फुल था, इसलिए अभी सोडा लेना है थोड़ा। और कड़े बंदे हो सोडा पीने के लिए? लेमन सोडा ला, लेमन सोडा, नींबू सोडा। इसके बाद हम चले अपनी बाइक से निकाल के रुद्र स्वामी मंदिर, जिसका ब्लॉग की लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, जाके एक बार देख लो, आपको भी वो पसंद ज़रूर आएगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है, पास में ही एक नदी है, काफ़ी सुंदर वातावरण यहाँ का। शूट लेते वक्त तो सब मेरे साथ खड़े थे, जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया सब कैमरे से दूर भाग गए। सभी घर में उनके उनके घर के गेस्ट आते, उसी तरह से हमारे दादी के घर में भी गेस्ट आए हैं। अभी हम रथ उत्सव जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे कलमेश रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो उसे। यहाँ पे कार्तिक भी रेडी हो चुका है फुल फॉर्म में,
यहाँ पे मैं रेडी हो चुका हूँ, लोग रेडी होके वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे कलमेश्वर मंदिर है, वहीं पर आज रथ उत्सव है, तो चलिए हम भी वहीं पे जाते हैं। बड़ा सा हार इस ट्रैक्टर पे लेके ये गांव का मान रहता है, तो ये मिरौनुक निकाल के हार को लाया जाता है। इसे रथ पे लगाया जाता है। अभी भीड़ भी काफी बढ़ चुकी है। ऐसे कुछ यहाँ पे खेल होते हैं। मंदिर से पालकी बाहर आई है, कल्पेश्वर महाराज जी विराजमान है, जो जाएंगे सीधे रथ के पास और रथ में इनको बिठा के मिरौनुक निकाली जाएगी रथ उत्सव। और ये मेरे हाथ में है खजूर, जिसका उपयोग इस रथ उत्सव में ज्यादा होता है। खजूर भी होता है और केले भी होते हैं। जब मिरौनुक स्टार्ट होती है, रथ उत्सव स्टार्ट होता है, जब वो रथ बढ़ते हुए हमारे पास आता है, आगे बढ़ता है, तभी उसकी जो ऊपर का कलश होता है रथ के ऊपर, वहाँ पे आपको ये फेंकना होता है, वहाँ तक कलश तक ये चीज़ें आपको फेंकनी होती है। तभी आप देख सकते हो कि हर तरफ से केले और खजूर उस रथ के कलश पर फेंके जा रहे हैं। उसी वक्त ये एक केला आके मेरे कैमरे पे लग गया। ऐसे ये सब लोग अपने अपने टेरेस पे, बिल्डिंग पे जाके खड़े होकर रथ उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। उनमें से हम भी एक हैं जो एक अच्छी शूटिंग मिल सके इसलिए ऊपर आए। रथ उत्सव मैंने पहली बार रथ उत्सव में आया हूँ और ये अनुभव ले रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। अब इस रथ को वापस रिटर्न लेके आ रहे हैं। तो आज का रथ उत्सव पूरा हो चुका है। इस रथ उत्सव में आया था पहली बार, तो बहुत ही अच्छा लगा।